क्या आप भी रोज सुबह अपना अलार्म बंद करके सो जाते हो? जिम जाने का प्लान तो करते हो पर वो प्लान ज्यादातर फेल हो जाता है। आपके पास आइडियाज तो बहुत अच्छे आते हैं पर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं और आपको पता है कि करना क्या है पर उस कामों के लिए आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो। ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं का हल 5 सेकंड रूल है। मैं रॉबिन्स की जिंदगी में भी काफी मुश्किलें चल रही थी, फिर उन्होंने इस रूल को अपनी जिंदगी में लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने करियर में भारी बदलाव देखा। उनकी प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन बढ़ती चली गई, उनके फैमिली में रिलेशंस अच्छे होने लग गए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऑथर भी बन गई। और उन्होंने अपनी बुक द 5 सेकंड रूल में 17 पॉइंट में बताया है कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी जिंदगी बदलना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट है 5 सेकंड्स टू चेंज योर लाइफ। अगर आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो एक बार जरा शीशे में देख लीजिए। एक औरत थी जिसका नाम था लिली, जिसकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। उसकी शादी भी अच्छी नहीं चल रही थी, उसके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही थी और उसका करियर भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ है। उसे रोज सुबह अपने बिस्तर से उठने में भी स्ट्रगल करना पड़ता था। पर लिली को नहीं पता था कि एक ऐसा रूल है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। 5 सेकंड रूल कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक साइंस है। ये रूल कहता है कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो अगर आप अपनी जिंदगी के छोटे छोटे डिसीजंस 5 सेकंड में लेना शुरू करो। लिली ने पाया कि ये 5 सेकंड रूल सिर्फ समय पे उठने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए काम आता है। इससे उसने अपनी ओवरथिंकिंग को एक्शन में बदल दिया। उसे अपने ऊपर ज्यादा भरोसा होने लगा और वो प्रेजेंट में रहकर ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम करती थी। जब भी वो 5 सेकंड डिसीजन लेती थी तो उसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता था, वो खुश रहती थी और आजादी महसूस करती थी। इस रूल को अपना के उसने जल्दी ही अपने आप को एक बेहतर इंसान बना लिया। 5 सेकंड रूल किसी एक के लिए नहीं है, ये हर कोई अप्लाई कर सकता है और हर कोई इसका फायदा उठा सकता है। 5 सेकंड रूल सिर्फ गोल्स को पाने के लिए नहीं है, इससे आप अपने अंदर के करेज को पहचान सकते हो, डर का सामना कर सकते हो और अपनी जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो। अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों ने इस प्रिंसिपल का यूज करके काफी फायदा पाया है। ये 5 सेकंड की काउंटडाउन ट्रिक सिर्फ करियर और पर्सनल गोल के लिए नहीं, इससे लोगों ने अपनी एडिक्शन भी छुड़वाई है, मतलब कि इससे काफी लोगों की जान भी बची है। जिस तरह से एक मछली हमेशा पानी के अंदर रहती है पर वो पानी को बहुत अच्छे से पहचान नहीं पाती क्योंकि वो बहुत फैमिलियर होता है उसके लिए, उसी तरह से चेंज होने का नेचर ये सबके लिए बहुत आम बात है, पर इसको देख पाना, इसके बारे में बात कर पाना और इसको अपना पाना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। जो चेंज होने के रास्ते में चैलेंजेस आते हैं उसमें 5 सेकंड रूल आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। सेकंड पॉइंट है हाउ आई डिस्कवर्ड द 5 सेकंड रूल। 40 साल की औरत मेल अपनी जिंदगी में रोज सुबह उठने में स्ट्रगल करती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था। रोज सुबह अलार्म बजता था तो वो उसे स्नूज कर देती थी, पर इसका असर उसके पूरे दिन पे पड़ता था। ये हैबिट तो छोटी सी थी पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती थी। उसको पता था कि उसको क्या करना है, वक्त पर उठना, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा बिहेव करना, सपोर्ट ढूंढना, पर असल में उसे एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन एक टीवी कमर्शियल ने सब कुछ बदल के रख दिया। उसमें एक रॉकेट लॉन्च हो रहा था जिसमें 5 सेकंड काउंटडाउन था और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करूं। 5, 4, 3, 2, 1 वो काउंट करेंगी और अपने बेड से उठ जाएंगी और यहां से उनकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत हुई। उन्हें एहसास हुआ कि 5 सेकंड में डिसीजन लेने से उनका हैबिट लूप ब्रेक हो जाता है। हमारे ब्रेन और हमारे इंस्टिंक्ट का कनेक्शन बहुत पावरफुल होता है। जब हम गोल सेट करते हैं तो हमारा ब्रेन एक टास्क लिस्ट बना देता है और जब भी गोल रिलेटेड चीजें आसपास होती है तो हमारे इंस्टिंक्ट हमें सिग्नल देते हैं। तो मेल का दिमाग हर बार उन्हें क्लियर सिग्नल देने लगा कि अटेंशन दो, अपने आइडिया पे बिलीव करो और बिना ओवरथिंकिंग के उस पे एक्ट करना शुरू कर दो। थर्ड पॉइंट है व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू यूज इट। 5 सेकंड रूल आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। ये ब्रेन का वो पार्ट होता है जो फोकस और डेलिबरेट एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये कोई एक स्टार्टिंग रिचुअल नहीं है, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग टूल बन सकता है। मेल ने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि अब से चाहे कुछ भी हो वो इस रूल को यूज करेंगी, चाहे जिम जाना हो, जॉब ढूंढना हो या फिर बेहतर पेरेंट या वाइफ बनना हो। मेल ने देखा कि सिंपल एक्शन से कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी में बड़ा चेंज आता है और ये रूल सिर्फ मेल के लिए नहीं दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहा। मेल का टेडेक्स टॉक वायरल हो गया था और लाखों लोगों ने इससे अपनी जिंदगी में स्मॉल और पॉजिटिव चेंजेस करने शुरू कर दिए थे। एक रिसर्च में पाया गया है कि जब भी लोग कुछ चैलेंजिंग या स्केरी करते हैं तो वो हेजिटेट करते हैं और ये हेजिटेशन उन्हें रोक देती है, पर जब वो 5 सेकंड रूल का यूज करते हैं तो उससे वो अपनी हैबिट्स को तोड़ सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। और लगातार इस रूल को अपनाने से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। फोर्थ पॉइंट है व्हाई द रूल वर्क्स।
5 सेकंड रूल आपके पर्सनल कोच की तरह है। जब भी आप हेजिटेट करते हैं या डाउट में होते हैं तो ये रूल आपको पुश करता है एक्शन लेने के लिए, बिल्कुल नाइकी के जस्ट डू इट स्लोगन की तरह। पर इसमें आपको एक्चुअली में कुछ करने का कंक्रीट वे मिलता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, आपके पास 5 सेकंड की विंडो है, अगर आप उसमें उस चीज को नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब आप ज्यादा वेट करते हैं तो आप अपने डर से लड़ने में लग जाते हैं। ज्यादा सोचने से आपकी एक्शन लेने की इच्छा कम होने लग जाती है, इसीलिए तेजी से एक्शन लेना ज्यादा जरूरी होता है। ये रूल आपको हेजिटेशन, ओवरथिंकिंग और मेंटल बैरियर्स से लड़ने में मदद करता है। तो जब आप इस रूल को मास्टर करते हैं तो आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। 5th पॉइंट है एवरीडे करेज। पहले मेल को लगता था कि आपकी बहादुरी सिर्फ बड़े कामों को करने के लिए जरूरी है, पर 5 सेकंड रूल ने मेल की सोच बदल दी। मेल ने सीखा कि ये जो करेज होता है ये सिर्फ बड़े काम करने के लिए नहीं होता। हमारे जो डेली लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, हमें टफ डिसीजंस लेने होते हैं और अपने सपनों को पूरा करना होता है, उन सब चीजों के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करेज दिखाना जरूरी होता है। इसका यूज करके किसी 15 साल के बच्चे ने एक कुक बुक लिख दी। एक इंसान ने 9 साल हेजिटेट करने के बाद एक मास्टर डिग्री हासिल करी। किसी ने अपनी ड्रीम जॉब पाई तो किसी ने अपनी वर्चुअल रियलिटी की कंपनी शुरू कर दी। और यही नहीं, एक आदमी ने इस रूल का यूज करके अपनी ड्रग एडिक्शन को हटा दिया। करेज किसी की स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, एजुकेशन या स्टेटस से नहीं आता, ये सबके अंदर होता है। हो सकता है आपकी बहादुरी पूरी दुनिया को ना बदले, पर आपकी बहादुरी आपका जीवन जरूर बदल सकती है। 6th पॉइंट है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। एक आदमी था टॉम, जिसकी लाइफ काफी मुश्किल चल रही थी। उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। एक बार वो एक कलीग के साथ एक कैफे में था, वहां पे कुछ दूरी पे उसे एक औरत दिखी जिससे वो चाहता था कि वो बात करे, पर उसके माइंड में डाउट था, क्या ये सही वक्त है, क्या ये सब जान के वो मेरे अंदर इंटरेस्टेड होगी। ऐसे ही बहुत बार लोगों की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो एक परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं। पर मेल का कहना है कि राइट टाइम का वेट करना एक फ्लॉड कंसेप्ट है। जब भी हमारे दिल से कोई सिग्नल आता है तो हमें पुश करना चाहिए और अपने फियर्स को साइड में रख के उस काम को करना चाहिए, क्योंकि जब आप उस मौके पे काम नहीं करते तो बाद में आपको रिग्रेट होता है। टॉम ने हिम्मत दिखाई और वो उठ के उस लड़की की तरफ गया। उसके बाद क्या हुआ वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि वो ट्राई करता है। लाइफ हमें चीजों की गारंटी नहीं देती, पर जब हम करेज दिखाते हैं तो हमें अपने अंदर की पावर का पता चलता है। हर किसी की लाइफ में सक्सेस और फेलियर दोनों होते हैं। जैसे एंग्री बर्ड्स के क्रिएटर ने 51 बार अनसक्सेसफुल गेम बनाए थे जिसके बाद वो हिट हुए, इसी तरह से एड शीरान ने परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं किया। जब वो 15 साल के थे तो एक पार्क में उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उनके पास कोई परमिट नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी। तो ऐसी चीजों से आप सीख सकते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब आप 5 सेकंड के काउंटडाउन के बाद आगे बढ़ते हैं तो आप अपने आप को वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन करते हैं। हो सकता है जो आप चाहते हो वो आपको मिले या ना मिले, पर आप एक चीज जरूर डिस्कवर करते हैं, अपने अंदर की पावर। 7th पॉइंट है यू विल नेवर फील लाइक इट। एक बार क्रिस्टीन एक जरूरी मीटिंग में बैठी हुई थी। उसका बॉस ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज ढूंढ रहा था ताकि वो एक कंसल्टिंग डील को सिक्योर कर सके। क्रिस्टीन के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना प्रोस्पेक्ट की बिल्डिंग के लिए एक कस्टम स्नैपचैट जियो फिल्टर बनाया जाए। उसके बॉस ने बोला कि आप आइडियाज बताओ जिसके बाद हम ये मीटिंग खत्म कर देंगे। क्रिस्टीन को पता था कि उसे बोलना चाहिए, पर उसे सेल्फ डाउट खा रहा था। उसे लगने लगा क्या उसका आइडिया खराब है, अगर ये इतना ही अच्छा आइडिया है तो किसी और ने क्यों नहीं दिया। यहाँ पे बात बोलने की नहीं थी, यहाँ पे बात थी उसकी फीलिंग्स को काबू करने की। क्रिस्टीन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, वो बहुत सारी बुक्स भी पढ़ती थी और उसने काफी सारी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक्सरसाइज भी की थी, पर जब वहाँ पे अपना इनोवेटिव आइडिया शेयर करने की बात आई तो वो हेजिटेट कर रही थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स से हार रही थी, वो अपने सेल्फ डाउट में फंसी हुई थी। इसी तरह से पाया गया है कि हमारे डिसीजंस 95% ऑफ द टाइम हमारी फीलिंग्स की वजह से होते हैं। वो लोग जो इमोशंस फील नहीं कर सकते वो डिसीजन लेने में काफी स्ट्रगल करते हैं। कई बार फीलिंग्स आपको आपके गोल की तरफ बढ़ने से रोक रही होती है। आप हेजिटेट करते हैं, आपका दिमाग उसे एनालाइज करना शुरू करता है और आप अपने आप से बात करके उस सिचुएशन से बाहर निकलने का सोचते हैं। आपको अपनी एबिलिटी पे शक नहीं होता, आप उस फीलिंग से बाहर आना चाहते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि फीलिंग आपके लिए सजेशन है, ऑर्डर नहीं है। कई बार आपको ये इग्नोर करना पड़ता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं और आपको वो काम करना होता है, जैसा कि नाइकी कहता है, जस्ट डू इट। पास्ट में क्रिस्टीन इस वजह से काफी बार अपनी बातें नहीं बोल पाती थी, उसकी अनसर्टेनिटी उसे पैरालाइज कर देती थी, पर आज का दिन अलग था।
उसने अपने दिमाग से लड़ने के बजाय 5 सेकंड रूल को अपनाया और अपनी बात सामने रख दी। ऐसा करने से उसका खुद के लिए परसेप्शन भी चेंज हो गया। अब क्रिस्टीन को समझ में आ गया था कि कॉन्फिडेंस हमारे एक्शंस से आता है। अब क्रिस्टीन मीटिंग्स में चुपचाप नहीं बैठती थी, वो अपने आइडिया शेयर करती थी, क्योंकि उसने अपने करेज को अपनी एक हैबिट बना लिया था। 5 सेकंड रूल एक ऐसी पावर है जिससे आप अपने नो को यस में बदलते हो। इससे आप अपने एनालिसिस पैरालिसिस से बचते हो। एनालिसिस पैरालिसिस मतलब आप किसी चीज के लिए सोचते ही रह जाते हो और उस पे एक्शन नहीं लेते। अब हम आते हैं 8th पॉइंट पे, हाउ टू स्टार्ट यूजिंग द रूल। इसके लिए आपको अपने लिए एक चैलेंज सेट करना है। आपको रोज सुबह जिस समय आप उठते हो उससे 30 मिनट पहले का अलार्म सेट करना है, और जैसे ही अलार्म बजेगा आपको 5 4 3 2 1 काउंट करना है और बेड से उठना है। आप सोचेंगे कि ये चैलेंज क्यों जरूरी है। ये डायरेक्टली आपकी 5 सेकंड रूल की कमिटमेंट को चेक करता है। अगर आप फेल होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस रूल को इग्नोर कर दिया। ये चैलेंज आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में सिखाता है, जो आपको इनिशियल पुश के लिए जरूरी है। आप जो रेजिस्टेंस फील करते हो उसको ओवरकम करने के लिए इस एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ये वही डिस्कम्फर्ट है जो आपको ओवरकम करना होता है। डिस्कम्फर्ट ही चेंज का कैटलिस्ट है। जब आप सुबह उठने के लिए काउंटडाउन करोगे तो आप अपनी फीलिंग से लड़ोगे। बेड में रहने की डिजायर या कल से स्टार्ट करने की टेम्पटेशन को आपने रोकना है। ये चैलेंज सिर्फ आपको जल्दी उठने में मदद नहीं करेगा, ये आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल देगा। 9th पॉइंट है इम्प्रूव योर हेल्थ। चाहे आपको अपना वजन कम करना हो, मसल्स बिल्ड करनी हो, या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना हो, 5 सेकंड रूल आपकी हर चीज में मदद कर सकता है। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, जैसे डाइट कैसी होनी चाहिए, उनका वर्कआउट रूटीन कैसा होना चाहिए, पर उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि बात सिर्फ प्लान बनाने की नहीं होती, बात होती है कि आपका मन क्या करता है, आप उसके बारे में कैसा फील करते हैं। बहुत सारे लोगों का मन एक्सरसाइज करने का नहीं होता, पर जो फिट लोग होते हैं वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये 5 सेकंड रूल आपको उस लेजीनेस से बाहर निकाल देता है जिसकी वजह से आप रुक रहे होते हैं। 10th पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। चाहे आप सोशल मीडिया की एडिक्शन से लड़ रहे हो, या फिर अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना चाहते हो और अच्छे डिसीजंस लेने चाहते हो, ये आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए आपको सुबह का एक रूटीन बनाना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि आपके ब्रेन के लिए सुबह के 2-3 घंटे काफी प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं। उस समय पे आप अपने सबसे बड़े गोल्स पे फोकस कीजिए, और 5 सेकंड रूल का यूज अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए कीजिए। 11th पॉइंट है एंड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन दो तरह की होती है, एक होती है डिस्ट्रक्टिव, एक होती है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन हमारी दोस्त होती है क्रिएटिविटी में। जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और बीच में थोड़े समय के लिए आप प्रोक्रास्टिनेट कर दो, तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, जिससे आपका काम और अच्छा हो जाता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन वो है जब आप इम्पोर्टेंट टास्क से बचते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन आपकी लेजीनेस नहीं है, बल्कि ये आपका स्ट्रेस से निपटने का एक तरीका है। रिसर्च से पता चला है कि प्रोक्रास्टिनेशन हमारे सबकॉन्शियस की डिजायर होती है, ताकि आप उस समय में अच्छा फील कर सके। ज्यादातर हम प्रोक्रास्टिनेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उस स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ पाना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी ये है कि आप अपने आप को माफ कर दो। आप अपने स्ट्रेस के ट्रिगर को समझो कि आपको किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है जिससे आप बचना चाहते हो, और अपने आप को माफ करके अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ो। इस स्ट्रेस से बचने के लिए आप अपना एक विजन बोर्ड भी बना सकते हो, जैसे आप भविष्य में कैसा इंसान बनना चाहते हो और आप वर्तमान में कैसे हो, तो वर्तमान से भविष्य के उस वर्जन तक बनने के लिए आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अगर आप ये समझेंगे और 5 सेकंड रूल का यूज करेंगे तो आप उस स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। आप प्रोग्रेस प्रिंसिपल का यूज करो, जिससे आप अपनी प्रोग्रेस देखो, आपको खुशी हो और आप और प्रोडक्टिविटी से काम करना शुरू करो। 5 सेकंड रूल आपको एक ही समय में सब कुछ नहीं दिला पाएगा। अपनी प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ते रहने के लिए आप बीच में अपने आप को थोड़ा ब्रेक भी दो। जिस समय में आप रिफ्रेश हो, अपने माइंड को क्लियर करो, अपने आप को मी टाइम दो और फिर से प्रोडक्टिविटी से काम करना शुरू करो। 12th पॉइंट है स्टॉप वरिंग। चिंता करना हमारे बचपन से ही शुरू हो जाता है। बहुत बार हम अननेसेसरी वरीज में उलझे रह जाते हैं। लोग अक्सर लाइफ के एंड में इस बात के लिए रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना सारा समय सिर्फ चिंता करने में बिता दिया। यहाँ पे भी आप 5 सेकंड रूल का यूज करके अपनी चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप 5 तक काउंटिंग कीजिए और अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ रीडायरेक्ट कीजिए। बहुत बार चिंताएं खुशी के मोमेंट्स में भी आ जाती हैं,
जैसे कोई ट्रिप खुशियों से भरपूर होना चाहिए, पर उसमें लोग अपने फ्यूचर की चिंता करके उस ट्रिप में भी परेशान रहते हैं। चिंताओं का एक एंटीडोट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करता है, जो चिंताओं को एप्रिसिएशन में बदल देता है। आपके पास जो है आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि लाइफ परफेक्ट नहीं होती, आपको अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आभारी होना चाहिए। 13th पॉइंट है एंड एंग्जाइटी। बहुत बार लोग किसी ना किसी चीज की चिंता में डूबे रहते हैं, और कभी कभी ये चिंता पैनिक अटैक में भी बदल सकती है। और जिसको पैनिक अटैक होता है, अगर वो पैनिक समझने की कोशिश करे तो उससे उसे और ज्यादा पैनिक हो सकता है। इसके लिए दवाइयां दी जाती हैं, पर कुछ लोगों ने सिर्फ ग्रेटिट्यूड फील करके इस चीज को सही किया है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड फील करने से आपकी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। तो जब भी आपके दिमाग में बेफालतू की चिंताएं आ रही हो, तो 5 सेकंड रूल का यूज करो और अपने दिमाग को पॉजिटिव थिंग्स की तरफ रीडायरेक्ट करो। 14th पॉइंट है बीट फियर। जो को एरोप्लेन में बैठने से बहुत डर लगता था, उन्हें वाइल्ड सिनेरियोस दिमाग में आने लग जाते थे, जैसे प्लेन क्रैश होने वाला है या फिर कुछ हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट्स। फिर उन्होंने एंकर थॉट्स की टेक्निक का यूज किया। ये टेक्निक सिर्फ फ्लाइंग फियर्स के लिए नहीं है, बल्कि आप इससे किसी भी तरह का डर हटा सकते हो। हर यात्रा से पहले वो अपनी डेस्टिनेशन के अच्छे सीन्स इमेजिन करती थी, जैसे फैमिली के साथ इंजॉय करना, माउंटेन्स क्लाइंब करना और साथ में डिनर करना, और ये थॉट्स उनके लिए शील्ड बन गए। जब भी उन्हें डर लगता था तो वो ये एंकर टेक्निक यूज करती थी और अपने दिमाग को पॉजिटिव कर लेती थी। इस तरह से आप अपने दिमाग के डर को एक सिंपल ट्रुथ से रिप्लेस कर सकते हो। 15th पॉइंट है बिल्डिंग रियल कॉन्फिडेंस। एक आदमी था बिल, जो बाहर से तो बहुत सक्सेसफुल लगता था। उसकी एक अच्छी फैमिली थी, शानदार करियर था और वो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई ये थी कि वो अपना खुद से कनेक्शन खो बैठा था। बिल हेजिटेशन और ओवरथिंकिंग में फंसकर अपने लाइफ के मीनिंगफुल एक्शंस से पीछे हट जाता था। फिर बिल ने डिसाइड किया कि वो अपने आप से अपना रिश्ता सुधारेगा, और इसके लिए उसने 5 सेकंड रूल का सहारा लिया। शुरुआत उसने छोटे छोटे एक्शन से की, जैसे बेड से समय पर उठना, और कुछ टफ डिसीजंस भी लिए, जैसे जरूरत पड़ने पर नो कहना। इससे बिल को खुद पे भरोसा होना स्टार्ट हो गया। इससे हम सीख सकते हैं कि लाइफ में छोटी छोटी चीजें एक्चुअली में छोटी नहीं होती, ये हमारे कॉन्फिडेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। चाहे अपने विचार किसी के सामने रखना हो या फिर अपने आप को नए लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना हो, ये सब हमारा कॉन्फिडेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए जरूरी है। 16th पॉइंट है परसुइंग पैशन। क्रिस, जो एक बैंक में CIO था, उसने फोटोग्राफी में अपना पैशन डिस्कवर किया, जिसकी वजह से उसे मल्टीपल अवार्ड्स मिले और मैगजीन कवर्स में भी उसकी फोटोज आई। इसी तरह से एरिक ने अपना फूड बिजनेस शुरू किया, और उसके लिए उसने मॉडर्न वर्ल्ड रिसोर्सेज का यूज किया, जैसे यूट्यूब वीडियोस और बुक्स। क्रिस का जो फोटोग्राफी का साइड बिजनेस था, वो एक फुल ब्लोन प्रोफेशन बन गया। बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के लिए एक प्रेजेंटेशन ने उनका स्पीकिंग करियर भी स्टार्ट कर दिया। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, तो सही सवाल ये है कि क्या आप उस काम को करने के लिए कमिटेड हैं? ये इस सवाल से ज्यादा जरूरी है कि क्या आप उस काम को करने के लिए रेडी फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसका वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप कमिटेड हैं, तो आप 5 सेकंड रूल का यूज कीजिए और वो काम करना शुरू कीजिए। पाउलो कोएलो की द एल्केमिस्ट से भी हमें यही लेसन सीखने को मिलता है कि जब आप अपने हार्ट को फॉलो करते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, याद रखो कि अपनी पावर डिस्कवर करने और एक्सप्रेस करने का कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होता, जवाब आपके अंदर ही होते हैं। आपको इतना करेजियस होना है कि आप उन जवाबों को सुन सको। 17th पॉइंट है एनरिच योर रिलेशनशिप्स। एक बार फ्लोरिडा में मेल रॉबिन्स डॉन से मिली थी, जहां पे डॉन ने अपनी लाइफ का एक मूल मंत्र बताया था, लीव नथिंग इम्पोर्टेंट अनसेड। इस मंत्र ने उनके सारे रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। डॉन ने मेल के साथ एक हार्ट टचिंग स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी एम्बर और उसके हस्बैंड के लिए अपनी एडमिरेशन एक्सप्रेस की थी। शुरू शुरू में वो डरते थे, लेकिन उन्होंने दिल से बात की और एम्बर की सेल्फलेस एक्ट की तारीफ की, और इससे उनका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो गया। इसी तरह से एक इंसान अपनी शादी में अपनी बीवी से छुपने के बजाय अपने आप को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करने लगा, जिससे उसके अंदर एक सेल्फ वर्थ की फीलिंग आई और उन दोनों के रिश्ते अच्छे हो गए। इसी तरह से ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें इस प्रिंसिपल का लोगों ने फायदा उठाया है। लीव नथिंग इम्पोर्टेंट अनसेड यूजिंग द 5 सेकंड रूल। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले, तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।